तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो ये जो न्यूमेरिकल हैं ये वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के हैं। और न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले हम फार्मूले के बारे में जानेंगे। तो यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फार्मूले देखते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है, जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है, वो लगता है F बराबर आई एल बी साइन थीटा। और ये सूत्र होता है जब कोई गति आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, कितने वेग से, V वेग से, तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं, वो F बराबर क्यू ए बी साइन थीटा है। ठीक है। और ये तो हमारा जो तीसरा है ये डी बी बराबर म्यू नॉट अपान फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये बायोस तथा सेवर्ट नियम से है। तो नेक्स्ट है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वन अपान सी स्क्वायर। सी है निर्वात में प्रकाश की चाल, ये निर्वात की वैद्युतशील चुंबकशीलता है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। बी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपान टू इंटू आई अपान आर। अगर बात की जाएगी, क्योंकि वृत्ताकार है तो वृत्त के लिए पाई नहीं रहेगा, अगर वृत्त की बात होगी तो पाई हमेशा टू के साथ नहीं रहेगा। और ये उस कुंडली के अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो बी बराबर म्यू नॉट अपान टू इंटू आई आर स्क्वायर। आर है कुंडली की त्रिज्या और बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर थ्री बाई टू। एक्स है कुंडली के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जो कुंडली के अक्ष पर हो। ठीक है, ऐसे वृत्ताकार कुंडली है, ये कुंडली की क्या है, अक्ष है। ठीक है, कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। ठीक है, तो ये इसका सूत्र है और ये कुंडली के केंद्र पर है यहीं पर। और ये है परिमित लंबाई, यानी कोई एक परिमित लंबाई का है चालक, यहाँ से एक लंबवत तार खींचा गया है, एक ऊपर एंगल और एक नीचे। ऊपर वाला एंगल फाई वन है और नीचे वाला एंगल फाई टू। ठीक है, तो म्यू नॉट अपान फोर पाई इंटू आई अपान आर ब्रैकेट में साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। फाई वन फाई टू ये एंगल है। ठीक है, और ये आर दूरी है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये परिमित लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक धारावाही तार है उससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो म्यू नॉट अपान टू पाई इंटू आई अपान आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो एक धारावाही परिनालिका, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई। एन है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, परिनालिका पर जो फेरों की संख्या उसकी एकांक लंबाई में कितनी बार तार लपेटा गया है, और ये बराबर होता है एन, एन मतलब परिनालिका पर जो है कुल फेरों की संख्या बटे परिनालिका की लंबाई। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति, चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है कोई आवेश जो होता है, आवेशित कण की गति है ना, आवेश अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करेगा चुंबकीय क्षेत्र के, तो उस पर कोई बल नहीं लगता, उसकी गति जो होती सरल रेखीय होती, लेकिन लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा होता है, वृत्ताकार। ठीक है, तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी होगी, एम बी अपान क्यू बी टी। एम है कण का द्रव्यमान, वी कण का वेग, क्यू है कण का जो है आवेश, आर है पथ जो पथ बना है ना त्रिज्या, और बी चुंबकीय क्षेत्र। टी आवर्त काल टू पाई एम अपान क्यू बी। एन है आवृत्ति क्यू बी अपान टू पाई एम, आवर्त काल का उल्टा होता है। के है उसकी गतिज ऊर्जा एक बटा दो एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू यहाँ से हम उठा करके रख सकते हैं क्यू बी आर अपान एम, तो फिर दूसरा माना जाएगा। क्यू अपान एम निकालना, यानी विशिष्ट आवेश, एक किलोग्राम द्रव्यमान पर उपस्थित आवेश या एकांक द्रव्यमान पर उपस्थित आवेश जो होता है विशिष्ट आवेश कहलाता है। ये किसके बराबर होता है, वी अपान बी आर। ठीक है, और नेक्स्ट बच रहा है कोई दो समांतर धारावाही चालकों की एकांक लंबाई पर बल, ये आई वन धारा इसमें प्रवाहित हो रही है और इसमें आई टू धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों के बीच की दूरी आर है। तो एफ अपान एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान टू पाई इंटू आई वन आई टू अपान आर, ये इसका सूत्र हुआ। तो ये थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के तथा या फिर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के जो है फार्मूले। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, 50 सेमी लंबे तार में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, यदि यह तार
5 गुणे 10 की घात माइनस 4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर रखा हो तो इस पर कितना बल लगेगा। तो कोई एक तार है जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है और उसमें 2 एम्पियर की विद्युत धारा भरे, यानी आई का मान दिया गया और एल का मान दिया गया है। यदि यह तार चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर, चुंबकीय क्षेत्र दिया गया उसमें कितने एंगल पर रखा गया, 60 अंश के, ठीक है। तब हमको किसका मान निकालना है, बल का मान निकालना है, ठीक है। तो हमें चालक की लंबाई दी गई है 50 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 10⁻²⁺ से गुणा कराएंगे, ठीक है ना। बड़े से छोटे से बड़े में जाएंगे माइनस की पावर। धारा कितनी बह रही है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। आगे चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है बी बराबर 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और कितना एंगल के साथ ये रखा गया चालक चुंबकीय क्षेत्र के साथ, 60 अंश के। हमको किसका मान निकालना है, एफ का मान। सूत्र वही लगेगा पहला वाला, एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा। आई का मान कितना दिया गया है, 2। एल का मान 50 × 10⁻²। बी का मान कितना दिया गया, 5 × 10⁻⁴ और इनटू में साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 60 अंश, ठीक है ना। हल करेंगे तो 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है, गुड़े में 10⁻², गुड़े में 5 × 10⁻⁴, साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2। तो ये 10⁻ कितनी है, 100 मतलब 10⁻² प्लस की और ये माइनस की कैंसिल, इसे कैंसिल करेंगे, 5 को 2 से भाग कराएंगे तो 2 कितना आएगा, 5, यानी 5 का आधा 2.5 होता है। और इसके साथ में क्या लग जाएगा, रूट का 3 और इनटू में 10⁻⁴, क्योंकि ये किसका मान है, बल का मान है और बल का मात्रक कितना होता है, न्यूटन होता है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर, ठीक है ना। रूट 3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, 1.73 गुणा करा करके तब भी आंसर ले सकते हैं, इतना आंसर भी आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आवेशित का 10⁻², बेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.6 सेमी त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, ठीक है। तो हमको दिया गया चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, और साथ ही साथ हमको दिया गया है वेग, ठीक है, जो कण है उसका वेग दिया गया है। अब त्रिज्या दी गई, जिस वृत्ताकार पथ पर वो गति कर रहा है उसकी त्रिज्या कितनी, 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। कण का क्या निकालना है, विशिष्ट आवेश निकालना है, ठीक है। तो हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया गया, 10⁻², वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेग दिया गया, कितने वेग से गति कर रहा है, 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से। त्रिज्या दी गई है इस पथ की 0.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे, 6 × 10⁻³ किए दे रहे हैं, एक संख्या पीछे दशमलव लाएंगे तो 2 माइनस के रहेंगे सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए, और साथ ही साथ एक संख्या पीछे लाएंगे तो -3 हो जाएगा। हमको निकालना क्या, विशिष्ट आवेश यानी Q/m, ठीक है, Q/m का मान निकालना है। और हमने फार्मूला भी ये देखो बताया था कि विशिष्ट आवेश जो होता है Q/m V/Vr के बराबर होता है। तो Q/m जो विशिष्ट आवेश है ये किसके बराबर होता है, ये होता है V/Vr। तो हल करेंगे, V की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷ और बटे में B की वैल्यू कितनी दी गई, 10⁻⁻², R की वैल्यू 6 × 10⁻³। तो माइनस का 3 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, ऊपर जाएगा तो प्लस का 5, तो 10⁻⁷ × 10⁵ और बटे में नीचे कितना है, 6, टोटल कितने हो जाएंगे, 7 5 12,
एक यहाँ बाहर 10 लिखे दे रहे हैं और 11 घात में लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना। 12 टोटल हो जाएंगे अलग अलग, बटे में 6 कैंसिल करेंगे तो ये कितना है बच्चा, 5 दो पंची 10, दो त्याई 6। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 3 एकन 3 और 3 एकन 3, ठीक है। दशमलव लगाएंगे यहाँ क्या बढ़ जाएगा, 0, ठीक है ना। तो 3 एकन 3 करेंगे तो 2 बचेगा, कितना बचेगा हाथ, 2 बचेगा। 3 एकन 3 हाथ 2 बचा, दशमलव लगाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। और 3 छक 18 यानी 1.67 गुणे 10^11। कूलाम आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पियर की धारा बह रही है, तार से 48 सेमी की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कोई एक लंबा सीधा तार ये, ठीक है, 12 एम्पियर की धारा बह रही है, कितनी दूरी पर, 48 सेंटीमीटर दूरी पर हमको क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र। और ये हमने फार्मूला बताया था कि यहाँ पर फार्मूला, धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, B बराबर क्या होता, μ0/2πI/R, ठीक है। तो B बराबर μ0/2π और ᴨ/R। तो μ0 बराबर क्या होता है, 4π×10⁻⁷ √2π है 2π। I कितने एम्पियर की विद्युत धारा है, 12 एम्पियर की है, बटे R दूरी कितनी है, 48 सेंटीमीटर R की वैल्यू है। अब मीटर में चेंज करेंगे तो 48 सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे, 10^-2 मीटर, तो 48 × 10^-2, तो ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2। तो 12 एकन 12, 12 चौक 48, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, माइनस का 2 ऊपर जाएगा प्लस का 2, कितना बचेगा ऊपर, -5 और नीचे कितना बचा, 2, ठीक है। गुणा में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 1/2 का हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 गुणे में 10^-5, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, दशमलव को जब हम पीछे लाएंगे या फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, -6, 1 माइनस का बढ़ाया तो 1 प्लस का बढ़ा देंगे, ठीक है, 1 प्लस का बढ़ा दिया 1 माइनस का। तो 10 को 2 से भाग कराएंगे कितना बचा, 5, बटे में तो कुछ बचेगा नहीं, तो 5×10^-6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कह दो, या फिर इसी को ही क्या कह देंगे, टेस्ला, यही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेमी त्रिज्या के वृत्ताकार परिपथ में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, वृत्ताकार परिपथ के या वृत्ताकार पार्ट के या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। अब त्रिज्या दी गई यानी आर का मान दिया गया है और 5 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। और लूप के कहाँ पर निकालना है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और केंद्र के लिए हमने फार्मूला बताया। ये देखो, किसी भी कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो B बराबर μ0/2×I/R होता है, ठीक है। चलिए हम शुरू। तो हमको दिया क्या गया है कि एक त्रिज्या दी गई है, वृत्ताकार लूप दिया गया है जिसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर, यानी R बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और धारा कितने एम्पियर की बह रही है, 5 एम्पियर की धारा बह रही है, क्योंकि लूप है और लूप के केंद्र पर वृत्ताकार लूप है तो नीचे पाई नहीं आएगा, वृत्त में पाई नहीं आएगा, टू I/R, ठीक है। हल कर लेते हैं, ये μ0 की वैल्यू कितनी होती है, 4π×10⁻⁷ अपान में 2 है, I की वैल्यू कितनी है, 5, R कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे, 10^-2 जो करते आए हैं, तो 10×10^-2 हल करेंगे तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 पंची 10, 5 एकन 5, 5 एकन 5, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो हल करेंगे तो फिर माइनस का 2 नीचे ऊपर प्लस का 2 हो जाएगा, -7 पहले से ही था,
ये माइनस दो ऊपर आकर के प्लस में हो गया, तो माइनस सात प्लस दो कितना हो जाएगा, माइनस का पाँच बचेगा, ठीक है, ये ऊपर जा कर के प्लस हो जाएगा, और इसमें जब प्लस को दो करेंगे तो फिर माइनस का पाँच बचेगा, और क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र निकला है तो इसका मात्रक टेस्ला, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, संलग्न चित्र में दिखाए गए दो समांतर तारों ए बी और सी डी के बीच लंबवत दूरी 20 सेमी है। दो तार हैं, ठीक है, समांतर हैं एक दूसरे के, और ए इनके बीच की दूरी जो है लंबवत दूरी यानी सबसे कम दूरी 20 सेमी है, और तार के 2 मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा, तो लंबाई दी गई 2 मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा इसका मान हमें निकालना है। तो ये दो समांतर धारावाही तार हैं, इनके जो है एकांक लंबाई या कितने भी एल लंबाई पर जो बल लगता है उसका सूत्र एफ अपान एल इजिकल्स टू एकांक लंबाई का है, तो जितनी लंबाई का होगा उसी से हम उसको क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, एक का पता है जितने का होगा उससे से गुणा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें दूरी कितनी दी गई, आर का मान 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे कितने से गुणा, 10^-2 से, कितने मीटर लंबाई पर निकालना है बल, 2 मीटर लंबाई पर निकालना है। धारा कितनी दी गई, पहले वाले तार में I1 दूसरे वाले तार में I2 दोनों सेम है 2 एम्पियर, ठीक है। सूत्र क्या होता है, एफ अपॉन एल इजिक्वल्स टू μ0 अपॉन 2π इंटू I1 I2 अपॉन R, L को इधर लेकर के चले आएंगे, एकांक लंबाई की वजह जितनी लंबाई की होगी उतने से गुणा हो जाएगा। μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻¹⁷ अपॉन 2π है, और इंटू I1 की वैल्यू भी 2 है, I2 की वैल्यू भी 2 है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 20×10⁻²। L का इधर गुणा हो जाएगा तो 2 से भी क्या हो जाएगा, गुणा, तो 2×2 = 4, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 2×1 = 2, 2×10 = 20, ठीक है। 10^ क्या कितना है, यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर कितना है, माइनस का 2, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस के 6 पहले से ही थे तो कितना बचेगा, केवल माइनस का 6 बचेगा, और कितना बच रहा, 2×4×8, तो इतना जो है इस पर क्या लग जाएगा, बल लग जाएगा, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो ये न्यूटन हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 8×10⁻¹⁶ न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी पर आधारित क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे अपने YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लास।